हेलो फ्रेंड, देखिए एक मल्टी फंक्शन मीटर में यानी कि A9000 BM में आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो इस बटन को दबाने से यहाँ पे जो स्क्रोल है, ऑटो स्क्रोल मैंने बंद किया हुआ है, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर, ये तीन डिस्प्ले आ रही है यहाँ पे। देखिए इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी वाटेज वाली स्क्रीन चल गई है और ये वहाँ पे वाटेज आएगा, यहाँ पे वी आर आएगा, यहाँ पे वी आएगा इस वाली स्क्रीन में अलग अलग में। अब इसको दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग उसमें अलग अलग ये वोल्टेज है, आर फेज की है, वाई फेज की, बी फेज की, न्यूट्रल के साथ में। दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज है आर वाई, वाई बी और बी आर। इसी प्रकार यहाँ पे ये करंट दिखा रहा है, करंट कुछ चल नहीं रहा है इसलिए जीरो है। देखिए आई पे है और आर वाई भी अलग अलग फेज का है। और यहाँ पे देखिए वाटेज है आर वाई बी में अलग अलग फेज में, ये वी ए आर है अलग अलग फेज में। यदि यहाँ पे करंट चला होगा तो सब कुछ दिखा देगा, करंट इसमें चल नहीं रहा है इसलिए दिखा रहा है। ये देखें यहाँ पे एरर है, पावर फैक्टर अलग अलग फेज के अंदर, और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, और ये देखें यहाँ पे वाटेज है, वाट आवर है, और ये फिर वही सेम आ गया है जो पहला पेज था हमारा। तो इस तरीके से आप इसमें क्या क्या चेक कर सकते हो, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दी गई है।